ये देखिए गाइस, यहाँ पे न्यू दिल्ली पे एक शताब्दी एक्सप्रेस खड़ी हुई है और हमारी सुपर फास्ट तेजस प्रीमियम एक्सप्रेस, दोनों ट्रेन यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती हुई क्या जा। ये देखिए गाइस, यहाँ पे सुपर फास्ट प्रीमियम, यहाँ पे कोई ट्रेन का अराइवल हो चुका है सामने से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ देखेंगे कौन सी ट्रेन है। ये है हमारी, अभी ये कौन से कोच में आ गए भाई, ये देखो आधी अधूरी काली कलूटी, और यहाँ पे ये देखो कैसे दांत निकाल लिए उस पे, मतलब तू भी दांत दत्तो। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये भी कैसा बैठा जॉम्बी। एक और क्रॉस है यहाँ पे सुपर फास्ट, यहाँ पे इंडिकेटर पे इंडिकेटर देते जाते हैं, इसकी आंखें खराब कर देते हैं ड्राइवर की। वेफो लोकोमोटिव के साथ यहाँ पे सुपर फास्ट, यहाँ पे तुरंत कानपुर पे हमारा अराइवल हो चुका है। आप अनाउंसमेंट सुन सकते हैं गाइस, यहाँ पे क्या जबरदस्त स्टेशन व्यू दिख रहा है। देखते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म पे अराइवल हुआ है और यहाँ पे एक्यूरेट रोकेंगे हमारी ट्रेन को। इसके बाद हेलो इन वर्ड्स ऑफ गाइस, कैसे हम सब, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइस आज के इस वीडियो में लेकर आ चुका हूँ काफी दिनों बाद, लगभग 20 दिन हो चुके हैं, 20 से 25 दिन हो गए यहाँ पे, काफी दिनों बाद मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ इंडियन ट्रेन सिम 2024। पहले 2023 था लेकिन अब 24 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ईयर चेंज तो जमाना चेंज तो यहाँ पे गेम्स भी चेंज ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर फास्ट भगवारंग की यहाँ पे हमारी तेजस सुपर फास्ट एक्सप्रेस खड़ी हुई है। इसका नाम है राजेंद्र नगर टर्मिनल तेजस राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। इसको हम न्यू दिल्ली से कानपुर तक की जर्नी करने वाले हैं। यहाँ से हमने निकाल दी हमारी ट्रेन को, ग्रीन सिग्नल हमें मिल चुका है। हड़जा मोटा बीच में कर रहा है, हट जहाँ से, और यहाँ पे मुंडी फूट जाएगी, हट जा मैडम, हटो हटो हटो। तो यहाँ पे कोई पास में एक ट्रेन भी खड़ी हुई है, कोई शताब्दी सुपर फास्ट एक्सप्रेस है जो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ यहाँ पे खड़ी हुई है। तो यहाँ पे स्लोली यहाँ पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है शताब्दी एक्सप्रेस, आप पास में देख सकते हैं। इसका अराइवल हुआ है जस्ट अभी न्यू दिल्ली स्टेशन पर। तो यहाँ पे व्यू देखिए, ये पीछे जनरेटर लगा हुआ है और यहाँ पे लोकोमोटिव कौन सा है आप कमेंट में बताइए, देखते हैं। वैसे तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गजब तरीके से दोनों यहाँ पे प्रीमियम ट्रेन, एक का आना हुआ एक का जाना हुआ और हमें इसको भगाना हुआ। बड़ा स्टेशन है यहाँ पे, दूर दूर तक ट्रेन रखी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये शायद से मिलिट्री ट्रेन है या फिर गरीब रथ, तो ऑफकोर्स नहीं है, मिलिट्री या फिर आर्मी ट्रेन इसे बोल सकते हैं। यहाँ पे इसे रोका गया है क्योंकि हम ट्रैक चेंज करके इसके ट्रैक पे आ गए। वेब 7 लोकोमोटिव के साथ ये यहाँ पे खड़ी हुई है बेचारी, लेकिन यहाँ पे हमारी सुपर फास्ट राजेंद्र नगर टर्मिनल तेजस राजधानी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से निकल चुकी है, स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे ट्रेन नंबर है 12310, आप इसे जाके गूगल पे या फिर किसी ट्रेन ऐप पे भी सर्च कर सकते हैं। करेंटली जब मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ ना, तो अभी जो रियल वाली ट्रेन है, रियल में जो ट्रेन है वो अभी वो पहुँचेगी। कहाँ पे मैं आपको लोकेशन ट्रैक करके बताता हूँ, कानपुर पहुँचने वाली है, वो रात को 9:52 पे कानपुर पहुँच जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम न्यू दिल्ली से निकले हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या जर्नी होने वाली है ना, एक नंबर। और ये देखो हमारी भी ट्रेन अभी सेंटर में है, मतलब न्यू दिल्ली और कानपुर के बीच में आ चुकी है। यहाँ पे कोई क्रॉसिंग होने वाली है तो ट्रेन को रोक लेते हैं। अब बात करें रियल ट्रेन की ना, तो वो भी न्यू दिल्ली और कानपुर के बीच में ही है, रियल में भी। रियल वाली ट्रेन की बात कर रहा हूँ, मैंने उसकी लोकेशन में अभी देख रहा हूँ, ठीक है। कानपुर पहुंचेगी वो रात को 10 बजे और 5 बजे न्यू दिल्ली से चलती है। सामने से कोई सुपर फास्ट इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है। लोकोमोटिव आप देख सकते हैं यहाँ पे, कोई डीजल लोकोमोटिव के साथ यहाँ पे सुपर फास्ट प्रीमियम ट्रेन है। कौन सी ट्रेन है देख लेते हैं। यहाँ पे हम सफर सुपर फास्ट एक्सप्रेस यहाँ पे क्रॉस करके निकली है हमारी ट्रेन को और निकाल लेते हैं हमारी ट्रेन, मतलब बैक टू बैक यहाँ पे हमें प्रीमियम ट्रेन देखने को मिल रही है। मजा आ गया, एक नंबर झक्कास बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए एक लाइक तो बनता है, मस्त क्रॉसिंग हमें देखने को मिली। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर चार से चली थी हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली से। और कानपुर पे देखते हैं कौन सा स्टेशन हमें देखने को मिलेगा, कौन सा रेलवे प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यार मतलब लुक देखो, पूरी भगवा रंग की ट्रेन है यहाँ पे, क्या गजब नजर आता है ना। वेब 7 लोकोमोटिव है आई थिंक ये, और यहाँ पे क्या नजर आता है ना, मतलब इसके इस गेम में अगर सबसे बेस्ट ट्रेन मुझे लगती है ना, तो ये ही वाली लगती है। इसके तो ग्राफिक है ना बहुत ही क्लासिक है, और जो एक ही मतलब वो कलर कॉम्बिनेशन है, आय हाय हाय, मतलब उत्तम, कति उत्तम, अति उत्तम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या जलवे बिखेरती हुई, 70 की स्पीड को हमारी ट्रेन ने टच कर लिया है। दो क्रॉसिंग हमें देखने को मिलेंगी, एक ऑलरेडी हो चुकी है, इसके बाद देखेंगे कौन सी क्रॉसिंग हमें देखने को मिलती है। और यार मतलब अगर मुझे इसमें बैठने को मिल जाए ना, आय हाय हाय, मजा ही आ रहा है। यहाँ पे देखो इसे क्या हो गया भाई, आधी काली आधी गोरी है कौन ये बेचारी। यहाँ पे देखो क्या हो गया, पीछे वाली देखो दांत कितने बड़े बड़े हैं इसके, अभी दांत बंद कर ले मच्छर घुस जाएगा। ये देखो ये आदमी क्या पढ़ क्या रहा है, पेपर पढ़ रहा है क्या कर रहा है, ऐसे पूछ दे के बैठा। यहाँ पे देखो अबे इसको भी फेस काला है, इसका भी आधा गोरा, ब्लैक एंड व्हाइट होके रखे हैं सब, पागल हूँ काय को बैठे तुम, जॉम्बीज के कोच में आगे लगता है। मैं बाहर निकल लेते हैं, पता चले यहाँ पे एनमैन गेमिंग भी जॉम्बी बन जाए।
तो यहाँ पे और यहाँ पे गज अब तरीके से क्या जलवे में खेल रही है यार, मतलब मजा ही आ जाता है। स्पीड देखिए 87 की, यहाँ पे थोड़ा छेड़खानी करते हैं इसके लोकोमोटिव को, लाइट बंद चालू करते हैं, बेकार कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन बाहर भी नजर रखनी होगी क्योंकि पता चले बाहर सिग्नल रेड हो गया और हम लाइट में ही लगे रह गए और हमारी लाइट जल जाए बिना फालतू में। तो यहाँ पे मतलब एक्स बना हुआ पीछे, मतलब पीछे क्रॉस का बटन, पीछे से कोई भी ट्रेन आएगी तो उसे रेड लाइट दिख जाएगी और वो समझ जाएगा कि आगे कोई ट्रेन जा रही है। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारा बचा हुआ है कानपुर, आप देख सकते हो पर 176 किलोमीटर और स्पीड देखिए 104 की स्पीड को हमने टच कर लिया है और यहाँ पे 160 किलोमीटर हमारा बचा हुआ है कानपुर। और यहाँ पे क्या आप कभी कानपुर गए हैं? ऑफकोर्स देखो मैं बताऊँ ना, मैं कभी कानपुर नहीं गया, न्यू दिल्ली ऑफकोर्स गया हुआ हूँ। तो यहाँ पे आप कमेंट में बताइए कि आप गए हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कितने कोचेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 कोचेस हैं लोकोमोटिव को हटा के। ठीक है, अब इसमें से आपको जनरेटर भी हटाना पड़ेगा, हो सकता है इसमें जनरेटर लगा हुआ हो आगे पीछे कहीं पे, तो वो भी हटा के 8 कोचेस हमारे यहाँ पे लगभग बचेंगे। वैसे तो जनरेटर आई थिंक इस ट्रेन में नहीं है, तो यहाँ पे टोटली देखा जाए तो 9 कोचेस हैं। ठीक है, तो स्पीड को रोक लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेन का अराइवल होने वाला है जबरदस्त। यहाँ पे सेकंड क्रॉसिंग हमें देखने को मिल रही है, देखेंगे कौन सी ट्रेन है, कमेंट में जरूर बताइए वीडियो पॉज करके कौन सी ट्रेन है। लेकिन यहाँ पे मस्त इंडिकेटर देते हैं लाइट को ताकि उसे दिख जाए कि हमारी ट्रेन सामने खड़ी हुई है, पागल बना देते हैं इसको, आंखें बेकार कर देते हैं इसकी लाइट को बंद चालू करके यहाँ पे। लेकिन लाइट जला के रखते हैं, वह फुल लोकोमोटिव के साथ यहाँ पे सुपर फास्ट हमारी, इसका नाम क्या था, इसका नाम भूल गया यार मैं, कुछ तो अच्छा ही नाम था, दुरंतो एक्सप्रेस, ऐसे दुरंतो एक्सप्रेस हमें क्रॉस करके निकली है हमारी प्रीमियम राजेंद्र नगर टर्मिनल सुपर फास्ट तेजस एक्सप्रेस को यहाँ पे क्रॉस करके निकली है। ट्रेन नंबर एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 12310 ट्रेन नंबर है हमारा। ठीक है, और ये एक्चुअल में ये जाती है न्यू दिल्ली से, मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा रूट, एक्चुअल रूट बता रहा हूँ, मतलब रियल में जो रूट है, ये चलती है न्यू दिल्ली से शाम को 5 बजे 5:10 पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से, फिर ये डायरेक्ट स्टॉपेज होता है रात को 9:52 पे कानपुर पे, फिर उसके बाद ये पहुंचती है सीधी 12:03 पे प्रयागराज जंक्शन, उसके बाद पहुंचती है रात को 2 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद सुबह 4:30 पटना जंक्शन, और उसके बाद 5:15 पे राजेंद्र नगर टर्मिनल पे ये फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। देखा जाए तो पूरी इसकी नाइट जर्नी है और ये फुल्ली एसी कोच है, इसमें आपको एक भी जनरल कंपार्टमेंट नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर फास्ट हमारी ट्रेन का अराइवल हो चुका है हमारे कानपुर सेंट्रल पे, यहाँ तक हमें इसे ड्यूटी दी गई थी लाने की, अब यहाँ से कोई और खींच के ले जाएगा, मतलब कोई और दूसरा लोको पायलट आएगा उसे आगे खींच के लेके जाएगा। तो और क्या जबरदस्त स्पीड में दौड़ा के लाए और यहाँ पे एकदम से हमने ब्रेक लगाए जैसे कोई बुलेट ट्रेन हो। एनमैन गेमिंग है तो ऑफकोर्स बुलेट ट्रेन ही मानी जाएगी क्योंकि एनमैन गेमिंग स्लो तो कुछ चीज करते ही नहीं है, सुपर फास्ट भगा के लाता है हर चीज को। तो यहाँ पे इसे बिल्कुल एक्यूरेट रोक लेते हैं ताकि पैसेंजर अपने हिसाब से उतर सकें और चढ़ सकें। ठीक है, तो फाइनली गाइस यहाँ पे हमने हमारी ट्रेन को रोक दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्नी हो चुकी कंप्लीट, रिवॉर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, बताइए वीडियो कैसी लगी, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। मिलते हैं कल रात 9 बजे, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।